खिलाड़ी भैया 007 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच ओडीआई सीरीज खत्म होने के बाद T20 श्रृंखला के मैच नंबर 1 के प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि आज शाम 7 बजे रांची स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, साथ ही साथ आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट, प्लेयर के फुल स्टैट्स, ग्रैंड लीग के की प्लेयर, CBC की सबसे अच्छी चॉइस और फाइनल अपनी स्मॉल लीग टीम के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपके लिए बता दें कि काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, ODI की जो प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे थे वही प्लेयर T20 में लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके जो परफॉर्मेंस करने के चांस हैं वो बहुत ही कम हैं। तो आपके लिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ग्रैंड लीग के की प्लेयर्स, प्लेयर के फुल स्टेट्स के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये प्लेयर जो है T20 में इंपॉर्टेंट है, ये प्लेयर ODI में इंपॉर्टेंट थे। तो काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि ODI में जिन प्लेयर ने परफॉर्म किया था उन्हीं हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को लेके आ रहे हैं। तो आज के मैच में अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपके जो विनिंग के चांस हैं काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि हमारी आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप लोग प्रेडिक्शन का जो है इस्तेमाल करके काफ़ी ढेर सारा पैसा कमा सकें। तो पहले हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, जो रांची की पिच रिपोर्ट है वो क्या कहलाती है। तो रांची स्टेडियम में अभी तक जो है ज़्यादा मैचेस खेले नहीं गए हैं, 3 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार जीती है। यहाँ पर हम बात करें एवरेज स्कोर की, एवरेज स्कोर जो रहता है 156 का रहता है और 196 जो है यहाँ का हाईएस्ट स्कोर है, जो कि इंडिया ने किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर रहा 118 का, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने किया था। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें अगर इन 3 मैचेस में तो 150 के जो अंडर स्कोर रहा है वो 1 बार रहा है और 150 से 169 के बीच जो स्कोर रहा है वो 1 बार रहा है, 170 से 189 के बीच 1 भी बार स्कोर नहीं बना है और 190 के जो ऊपर स्कोर गया है वो सिर्फ 1 बार गया है इस मैचेस में। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, कौन लेता है ज़्यादा विकेट। तो यहाँ पर ये 3 मैचेस के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, लास्ट के 3 मैचेस खेले गए हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 153 का टारगेट दिया था जिसमें इंडिया ने 155 बना दिए थे, 17.2 ओवर में चेज कर लिया था। यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो रहे थे हर्षल पटेल, 7 विकेट पेसर्स को, 2 विकेट मिलते आपके स्पिनर्स को। नेक्स्ट जो मैच हुआ था वो हुआ था 196 का, इंडिया ने टारगेट दिया था श्रीलंका को और यहाँ पे 127 पे श्रीलंका सिमट गई थी। यहाँ पे मैन ऑफ द मैच रहे थे शिखर धवन जिसमें 9 विकेट पेसर्स को, 6 विकेट मिले थे आपके स्पिनर्स को। नेक्स्ट जो मैच हुआ था यहाँ पे वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 18.4 ओवर में 118 रन बना पाई थी और DLS मेथड से यहाँ पे बारिश के चलते ये मैच इंडिया ने 49 रन बना के फिर 5.3 ओवर में जीत लिया था। यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच रहे थे वो रहे थे कुलदीप यादव, यहाँ पे 5 विकेट मिले थे पेसर्स को, 3 विकेट मिले थे आपके स्पिनर्स को। टोटल विकेट जो यहाँ पे गिरे थे वो 32 विकेट गिरे थे 3 मैचेस में, तो पेसर्स को मिले थे 21 और स्पिनर्स को मिले थे 11। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस पिच पे तो इस पिच पे पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहता है। और एक चीज़ बता दूं आपको इस पिच के बारे में, इस पिच पे इनिशियल फेस में, कहने का मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेसर्स को ज़्यादा एडवांटेज रहता है, बॉल स्विंग अच्छा करती है यहाँ पे और यहाँ पे हरी घास भी है इस पिच पे। तो उसके बाद भी मैं बताऊँगा, मैं आपको टॉस के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको पिच रिपोर्ट के बारे में शेयर कर दूँगा, लेकिन अभी के लिए जो पिच रिपोर्ट है वो ये है कि इनिशियल फेस में मैंने जब भी इस मैदान पे जो है इस वेन्यू पे देखा है मैचेस को, तो इनिशियल फेस में जो है स्टार्टिंग में पेसर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है। तो आप लोग टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन्हें ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हैं और जो स्टार्टिंग के पॉप ले के जो ओवर्स कराते हैं बॉलर उनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहने वाली है रांची की पिच रिपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, क्या रहने वाली है दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। इंडिया की तरफ से हम बात करें तो हार्दिक पांड्या ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कल कि ईशान किशन और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। थर्ड डाउन राहुल त्रिपाठी, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम माबी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, ये रहने वाली है इंडिया की स्ट्रेटेजी। जिसमें से अगर हम बात करें पावर प्ले ओवर्स की तो अर्शदीप सिंह और शिवम माबी, हार्दिक पांड्या, ये तीनों जो है पावर प्ले में ओवर कराते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या ने जो अपनी बॉलिंग में काफ़ी कुछ बदलाव किया है, काफ़ी अच्छी इन स्विंग आउट स्विंग भी करने लगे हैं, तो हार्दिक पांड्या को आप लोग CBC के लिए सबसे अच्छी चॉइस हैं। तो ये रहने वाली है इंडिया की स्ट्रेटजी जिसमें से उमरान मलिक, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर ये मिड ऑर्डर में अपना कोटा कंप्लीट कर लेंगे और डेथ के ओवर जो है अर्शदीप सिंह और शिवम्मा भी हार्दिक पांड्या डालते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ से,
तो न्यूजीलैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है वो फिनलैंड डेवन कॉनवे, डेन क्लीवर, ग्लेन फिलिप्स, डेरल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटर, हेनरी सिप्ले, स्टोरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टेक्नर, ये रहने वाली है न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। जिसमें से हम बात करें पावर प्ले के ओवर्स की, तो पावर प्ले के जो ओवर्स हैं हेनरी सिप्ले, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टेक्नर, यही आपके डेथ में ओवर कराते हुए नजर आएंगे। स्टोरी, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटर, ये अपना मिड ऑर्डर में कोटा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेयर के फुल स्टेट्स के बारे में। तो यहाँ पे ईशान किशन का आप लोग देख सकते हैं, इंडिया की तरफ से रिसेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है यहाँ पे इनका, और हेड टू हेड में भी कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आप लोग ग्रांड लीग में इन्हें छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। सुमन गिल की बात करें तो काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं और टेक्निकल बैट्समैन है, आज के मैच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जो तो जरूर से आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो प्लेयर है हमारे वो है राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी क्या है, अपना नेचुरल गेम प्ले नहीं कर रहे हैं। पिछली बार इनका जो डेब्यू हुआ था श्रीलंका गेस्ट, तब इन्होंने ये स्कोर किया था, तो इसमें इन्होंने 535 रन मारे थे, लेकिन ये अपना अगर नेचुरल गेम खेलें तो काफ़ी अच्छे रन बना सकते हैं। ये थोड़े जल्दबाजी कर रहे हैं, मैंने इनको श्रीलंका के अगेंस्ट देखा था, हो सकता है शायद इनका वो फर्स्ट मैच हो इसलिए थोड़े नर्वस हों, लेकिन इस मैच में जो है राहुल त्रिपाठी एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर अपना नेचुरल गेम खेलते हैं तो। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वर्ल्ड के नंबर 1 T20 बैट्समैन है और 51/112 है, 4/31/14 है, रिसेंट में परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 1 शतक लगा के आ रहे हैं T20 में और हेड टू हेड में भी 1 शतक लगा चुके हैं, तो नो डाउट काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप लोग जरूर से ट्राई करना, CBC के लिए भी एक अच्छी चॉइस बनते हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर हैं वो हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का आप लोग रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, विकेट भी ले रहे हैं और रन भी बना रहे हैं, और हेड टू हेड में आप लोग देख सकते हैं 30/13/23/14, बॉलिंग ज़्यादा इन्होंने कराई नहीं है, तो सेफ CBC के लिए एक सबसे अच्छी चॉइस बनते हैं आज के इस मैच में स्मॉल लीग के लिए, और ग्रांड लीग में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। दीपक हुड्डा की अगर हम बात करें तो दीपक हुड्डा भी एक एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं और प्लस रन भी बना रहे हैं, और इनका जो हेड टू हेड में परफॉर्मेंस है वो भी एवरेज ही है, तो आप लोग दीपक हुड्डा को देख लीजिए, बहरहाल मैं अपनी टीम में इनको नहीं लूँगा। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर का जो परफॉर्मेंस है रिसेंट में कोई खास नहीं है, और हेड टू हेड में 1 विकेट है, लेकिन आज के मैच में जो है न्यूजीलैंड की तरफ से, न्यूजीलैंड की जो प्लेयर हैं उनमें टॉप की जो प्लेयर हैं उनमें 3-4 प्लेयर लेफ्टी हैं, तो वाशिंगटन सुंदर जो है आज के मैच में एक अच्छी चॉइस बनते हैं। शिवम मावी की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हो, 2/4/0/0/2, और हेड टू हेड में ही खेले नहीं हैं, तो देख लीजिए आप लोग ट्राई करना है करिए। बाकी जो हमारी फाइनल टीम है वो मैं आपके लिए बताऊंगा क्या रहने वाली है। नेक्स्ट जो प्लेयर हैं इंडिया की तरफ से वो हैं कुलदीप यादव, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह। जिसमें से कुलदीप यादव का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 3/2/2/1/3, विकेट लेस नहीं जा रहे हैं, हेड टू हेड में भी 2 मैच खेले हैं और दोनों में विकेट लिए हैं, तो कुलदीप यादव को आप लोग जरूर से ट्राई करना अपनी टीम में। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह का फॉर्म जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है अभी, और हेड टू हेड में इन्होंने खेला नहीं है, 2/4/0/0/2 इस तरीके से विकेट निकाले हैं अभी रिसेंट में, और उमरान मलिक का आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो अर्शदीप सिंह से बेटर आपके लिए आज के इस मैच में उमरान मलिक होने वाले हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ से प्लेयर के स्टैट्स के बारे में। तो यहाँ पे है फिनलैंड, फिनलैंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बेकार है, मोस्ट ऑफ द टाइम डक पे आउट होते हैं, और हेड टू हेड में भी आप लोग देख सकते हैं 1 बार डक पे आउट हुए हैं, 1 बार 3 रन हैं, तो आप लोग आराम से इन्हें छोड़ सकते हैं। डेवन कॉनवे की बात करें, टेक्निकल बैट्समैन है, एक अच्छी पारी खेल सकते हैं, पिछले मैच में भी इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने 138 की पारी खेली थी, और हेड टू हेड में भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो जरूर से ट्राई करना। डेन क्लीवर की बात करें तो रिसेंट में जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, और हेड टू हेड में इन्होंने खेला नहीं है, और अगर आप लोग ऊपर से इन्हें पिक करना चाहते हैं जो है विकेट कीपर सेक्शन से, तो डेन क्लीवर एक अच्छी चॉइस है आपके लिए। ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो रिसेंट में परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से मैं 2 प्लेयर आपको बताऊंगा, एक हैं डेवन कॉनवे और दूसरे हैं ग्लेन फिलिप्स, जिन पे आप लोग भरोसा कर सकते हैं, हाँ ये रन स्कोर करके दे सकते हैं आप लोगों के लिए, 37/3/63/11/36 इस तरीके से परफॉर्मेंस है, और हेड टू हेड में आप लोग देख सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट जब खेलते हैं तो 54/12/0/34/0 इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बात करें डेरल मिचेल की तो डेरल मिचेल का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है खास नहीं है, हेड टू हेड में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। रिसेंट में आप लोग देख सकते हैं माइकल ब्रेसवेल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, हेड टू हेड में खेला नहीं है, लेकिन ये ODI में अच्छा करते हैं T20 की अपेक्षा, आराम से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है मिचेल सेंटनर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं आज के इस मैच में, क्योंकि लगातार रन कर रहे हैं 37/15/57/27/34 और लगातार विकेट भी ले रहे हैं,
हेड टू हेड में भी 3-1, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आज के इस मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है काफ़ी सारे राइट बैट्समैन हैं और ये जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हमेशा मैंने देखा है कि राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है हेनरी सिप्ले, जो कि डेब्यू करेंगे इंडिया के अगेंस्ट ही। 2-0-0-2-1 इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे जो प्लेयर हैं इसोडी, रिसेंट में परफॉर्मेंस सही है, एवरेज है और हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक बार केवल विकेट लेस गए हैं, बाकी इन्होंने हर मैच में विकेट लिया है। लॉकी फर्ग्यूसन आप लोग देख सकते हैं, फॉर्म अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, रिसेंट में भी कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं है। 1-2-1-0-0 और हेड टू हेड में 0-2-1-0-1 इस तरीके से विकेट निकाल रहे हैं। तो लॉकी फर्ग्यूसन लेकिन आपके लिए आज के इस मैच में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो प्लेयर हैं वो हैं ब्लेयर टिकनर, रिसेंट में आप लोग परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 1-1-1-0-3 इस तरीके से विकेट निकाल रहे हैं और हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हैं, इसमें से 1 में विकेट डस गए हैं और 1 में 1 विकेट है, 1 विकेट है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली जो इम्पोर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं दोनों ही टीमों की तरफ से उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से जो हमारे फर्स्ट प्लेयर होने वाले हैं वो हैं हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, उमरान मलिक। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो हार्दिक पांड्या सीबीसी के लिए एक सबसे अच्छी चॉइस है आपके लिए आज के इस मैच में। रीसेंट परफॉर्मेंस, हेड टू हेड परफॉर्मेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने जब भी एक चीज़ नोटिस की है, जब पहला मैच होता है ना इंडिया का तो हार्दिक पांड्या अपना पूरा एफर्ट देते हैं बॉलिंग से बैटिंग से, और जब इंडिया सीरीज विन पे होती है तो हार्दिक पांड्या थोड़े जो है अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी नहीं करा सकते हैं। तो आज के मैच में तो हार्दिक पांड्या के पूरे पूरे चांस हैं बॉलिंग और बैटिंग करने के। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो हार्दिक पांड्या मस्ट ऑफ पिक हैं आपके लिए, सीबीसी के लिए भी एक अच्छी चॉइस होते हैं। बात करें सूर्यकुमार यादव की, तो सूर्यकुमार यादव को आप लोग वाइस कैप्टन कर सकते हैं, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे या फिर इंडिया पहले बॉलिंग करे। T20 के काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग में हैं, तो आप लोग सूर्यकुमार यादव को बीसी कर सकते हैं। उमरान मलिक की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का है, हेड टू हेड में बहरहाल खेला नहीं है, लेकिन आपके लिए बता दें अपनी पेस से ये लोग ये विकेट लेके जा सकते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर से ट्राई करना। ये 3 प्लेयर हैं इंडिया की तरफ। चौथे जो प्लेयर हैं इंपॉर्टेंट वो हैं कुलदीप यादव, स्पिनर्स में आप लोग ट्राई कर सकते हैं कुलदीप यादव को। रिसेंट परफॉर्मेंस आप लोग देख सकते हैं विकेट लेस नहीं गए हैं और हेड टू हेड में भी विकेट लेस नहीं गए हैं। बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ से, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ से 4 प्लेयर बताऊँगा आपको, जिसमें डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स काफ़ी अच्छी चॉइस है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आप लोग ग्लेन फिलिप्स को पीसी कर सकते हैं, और अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो आप लोग डेवन कॉनवे को सीबीसी भी बना सकते हैं। डेवन कॉनवे आज के इस मैच में काफ़ी अच्छी चॉइस है क्योंकि न्यूजीलैंड की तरफ से ये 2 ही प्लेयर हैं जो कि मैच विनिंग साबित कर सकते हैं। बहरहाल रन तो कोई भी मार सकता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो इन दोनों प्लेयर के पास है, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। मिचेल सेंटर की बात करें तो मिचेल सेंटर का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और आप लोग इनको ज़रूर से ट्राई करना। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो सीबीसी के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है, ध्यान रखना अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है। हेनरी सिप्ले की बात करें तो अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कराती है तो हेनरी सिप्ले काफ़ी अच्छी चॉइस है, काफ़ी लंबे कद के गेंदबाज हैं और विकेट भी निकाल के दे सकते हैं आप लोग को 2-3, तो हेनरी सिप्ले को आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। और ये इंडिया के अगेंस्ट डेब्यू करने वाले हैं, मैं लॉकी फर्ग्यूसन की जगह हेनरी सिप्ले को रख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बहुत बैटिंग से भी आप लोगों को पॉइंट देखे जा सकते हैं। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं सीबीसी की सबसे अच्छी चॉइस के बारे में। तो अगर आपको स्मॉल लीग खेलते हैं तो स्मॉल लीग में सबसे अच्छी चॉइस सीबीसी के लिए होंगे हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव इंडिया की तरफ से। और अगर आप लोग रिस्की जाना चाहते हैं तो आप लोग उमरान मलिक को भी वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेयर बताऊं तो ग्लेन फिलिप्स, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो सीबीसी कर सक सी तो नहीं कह सकते हम, लेकिन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। डेवन कॉनवे को आप कैप्टन बना सकते हैं बहुत कंडीशन में, चाहे न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे या फिर बॉलिंग करे। मिचेल सेंटर को भी आप सीबीसी सब कर सकते हैं जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे। हेनरी सिप्ले को आप बीसी बना सकते हैं अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करे। तो यही थी आज की वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल अपनी स्मॉल लीग टीम के बारे में, क्या रहने वाली है हमारी स्मॉल लीग की टीम। तो भाई वो हमारी जो स्मॉल लीग की टीम रहने वाली है, विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास 3 चॉइस हैं, जिसमें आप डी कॉनवे, ईशान किशन और डैन क्लीबर, आपके पास 3 चॉइस हैं, जिसमें मैं रखूँगा सबसे पहले डी कॉनवे को।
अपनी टीम में, ईशान किशन को बराबर मैं अपनी टीम में पिक नहीं करूँगा अभी। बैटिंग सेक्शन में हम आ जाते हैं, बैटिंग सेक्शन से मैं रखूँगा सूर्य कुमार यादव को, ग्लेन फिलिप्स मेरी टीम में होंगे और सुमन गिल मेरी टीम में होंगे, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, आप लोग ध्यान रखना। हम आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में हम हार्दिक पांड्या को लेंगे और आप लोग देख सकते हैं माइकल ब्रेसवेल, ये इनका परफॉर्मेंस ODI की परफॉर्मेंस के बेस से इनका सिलेक्शन परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं 80% है, लेकिन आज के इस मैच में इनके फ्लॉप होने के चांस हैं, तो ओवरऑल मैं इनको अपनी टीम में नहीं लूँगा। मिचेल सेंटर मेरी टीम में होंगे। हम आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन से, ये टीम मैं तब बना रहा हूँ जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो कुलदीप यादव मेरी टीम में होंगे, उमरान मलिक को मैं अपनी टीम में रखूँगा और साथ ही साथ आपके उधर शिवम मावी या फिर अर्शदीप सिंह, इनमें से मैं किसी एक बॉलर को अपनी टीम में प्रिपेयर करूँगा। और इधर की हमारे जो रहने वाले हैं वो हैंडी सिप्ले रहने वाले हैं और जो लॉकी फर्ग्यूसन रहने वाले हैं। अब जो हमारे लास्ट प्लेयर हैं, लॉकी फर्ग्यूसन मैं नहीं रखूँगा, यहाँ से हैंडी सिप्ले या फिर लॉकी फर्ग्यूसन में से किसी एक को ट्राई करना है मुझे, तो अभी के लिए मैं हैंडी सिप्ले के साथ जा रहा हूँ। और जो हमारे इंडिया की तरफ से प्लेयर हैं वो हैं अर्शदीप सिंह को मैं अपनी टीम में रखूँगा, आप लोग चाहो तो शिवम मावी को भी ले सकते हो। नेक्स्ट मैं जाऊँगा बैटिंग सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन में रखूँगा डैन क्लीवर को, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और रिसेंट में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो ये रहने वाली है हमारी टीम स्मॉल लीग की, जिसमें से आप लोग कैप्टन हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन कर सकते हैं सूर्य कुमार यादव को, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो ये, अगर इंडिया पहले बॉलिंग कराती है तो आप लोग जा सकते हैं अर्शदीप सिंह कैप्टन और आपके सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन, ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, आप कर सकते हैं। और बाकी अगर हम न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें CBC के बारे में, तो डी कॉनवे और आपके मिचेल सेंटनर, यही दो प्लेयर हैं जिनको आप CBC कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी प्लेयर पे भरोसा नहीं कर सकते। ग्लेन फिलिप्स अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो आप लोग ग्रांड लीग में करना, स्मॉल लीग में हम इन पर रिस्क नहीं ले सकते। तो ये रहने वाली है हमारी टीम अभी के लिए, जो हमारे कैप्टन हैं वो हैं हार्दिक पांड्या और हमारे जो वाइस कैप्टन रहने वाले हैं वो हैं सूर्य कुमार यादव, ये रहने वाली है अभी के लिए हमारी टीम। और जो हमारी फाइनल टीम है वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।